subscribe to our channel and press the bell icon. Good morning, friends. Then his first flight is chapter K 1.5. His first flight is chapter K. तीसरे वीडियो में आपका इस्तकबाल है. अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आए. चलिए शुरुआत करते हैं. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट डैट ही हैड नॉट ऑलवेज बिन एबल टू फ्लाई. आखिर में वो पूरी तरह भूल गया कि वो उठने में पूरी तरीके से नाकाम हुआ था. एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड कर्व एंड श्रीकिंग श्रीली. और उसने उसके बाद अपने आप को ये कोशिश किया कि वो गोता लगा सकता है, यानी डाइव एंड सोर और ऊपर उठ सकता है, एंड कर्व और उसे वो वहाँ पर कर्व बना सकता है, श्रीकिंग श्रीली और वो ज़ोरदार आवाज़ें निकाल सकता है. श्रीकिंग ज़ोरदार आवाज़ निकालना, मेकिंग अ लाउड क्राई. ही वॉज़ नियर द सी नाउ. अब वो समंदर के करीब था. फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट और वो उसके ऊपर ही उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन और वो ओशन यानी समंदर के ऊपर उड़ रहा था. ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम. और उसने देखा कि उसके नीचे एक बहुत बड़ा गहरा ग्रीन यानी हरा समंदर है. विथ लिटल रिजेस मूविंग ओवर इट, जहाँ पर छोटी छोटी चट्टानें, रिज अ चेन ऑफ हिल्स, यानी छोटी छोटी चट्टानें उसके ऊपर आ गई है. Ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और उसने अपनी चोंच को बाजू की तरफ घुमाया और उसके बाद उसने कॉड यानी काय काय की आवाज़ें निकाली. amusedly यानी pleasurably यानी इत्मीनान से. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके वालदेन, उसके भाई और बहन उसके सामने ही उस ग्रीन फ्लोरिंग पर जो उसके आगे थी वहाँ पर लैंड हो गए, वहाँ पर पहुँच गए. दे वर बिकॉनिंग टू हिम. वो बिकॉन टू गिव अ सिग्नल टू मूव नियर टू फॉलो. वो उसे इशारा कर रहे थे. दे वर बिकॉनिंग यानी वो उसे इशारा कर रहे थे. कॉलिंग श्रिली और उसे तेज़ आवाज़ में बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी. और उसने अपने पाँव जो है वो उस हरे समंदर यानी घास के मैदान के ऊपर डालने की कोशिश की. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए. सैंक ये सिंक का थर्ड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है. हिज लेग्स सैंक इनटू इट. उसके जो पैर थे उस हरे समंदर में डूब गए. ही स्क्रीम्ड, वो रोया चिल्लाया. विथ फ्राइट, खौफ के मारे, फ्राइट डर जाना. एंड अटेम्प्टेड टू राइज, और कोशिश की कि वो वापस उड़ जाए. अगेन फ्लाइपिंग हिज विंग्स, दोबारा अपने पंख फड़फड़ाकर. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज. लेकिन वो थक चुका था एंड वीक और कमज़ोर हो चुका था. विथ हंगर, भूख के मारे, एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका. एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, एग्जॉस्टेड बहुत ही ज़्यादा थक जाना, वी आर आउट. Exhausted by the strange exercise, इस अजीब मश्क के बाद वो थक चुका था. His feet sank into the green sea, उसके पैर जो थे वो हरे समंदर में डूब चुके थे. And then his belly touched it, और उसके बाद उसका पेट, belly outer stomach, उसके पेट ने उसे टच किया. And he sank no farther, और उसके बाद वो अंदर की तरफ नहीं डूब सका. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके आजू बाजू उसके पूरी फैमिली अफराद खाना वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी. प्रेजिंग हिम, और उसकी तारीफ कर रही थी. एंड दर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसके जो उन सब की चोंच में चोंच है तो दावत का नज़ारा दे रही थी. उसमें डॉग फिश के टुकड़े थे, स्क्रैप्स थे यानी टुकड़े थे. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान मुकम्मल कर ली. यहाँ ये वीडियो ख़त्म होता है. अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी एक्टिविटीज़ के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.